रोज सुबह खाली पेट सिर्फ एक कटोरी खाकर तो देखिए, जिंदगी भर आपको कैल्शियम, प्रोटीन व विटामिन्स की कमी नहीं होगी। इतनी ज्यादा डिलीशियस और मजेदार है आज की ये रेसिपी। इसे खा करके आपको इतने ज्यादा फायदे मिलेंगे दोस्तों कि आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतू और टेस्टी ट्रिट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की सुपर डुपर डिलीशियस रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चढ़ाएंगे गैस पर एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालना है 1 से 2 चम्मच इतना देसी घी। इसकी जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ऑयल बिना स्मेल वाला होना चाहिए, जैसे कि रिफाइंड ऑयल वगैरह। 8 से 10 कटे हुए बादाम को हमें हल्का सा भून लेना है, और जैसे ही बादाम हल्के से भुनेंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी 8 से 10 ही काजू, और इन्हें भी हमें हल्का सा भून लेना है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है दोस्तों, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही काजू बादाम हल्के से गोल्डन ड्राई होंगे तो हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से चढ़ा देंगे उसी कढ़ाई को गैस पर, और बचे हुए घी में हम डालेंगे 1 कप मखाना। वजन से देखें तो दोस्तों यह 50 ग्राम मखाना है। इन्हें भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से क्रंची होने तक रोस्ट कर लेना है। मखाना कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ये तो आप सभी जानते ही हैं। यदि आप डेली मखाना खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और अनेक रोगों से ये हमें बचाते भी है। यदि आप सुबह सुबह खाली पेट मखाना खाते हैं तो आपको मोटापे की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल में रहते हैं। मखाना को दोस्तों किसी न किसी तरह से अपनी डाइट में जरूर से शामिल करना चाहिए। मैंने मखाना की दोस्तों पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मखाना को भूनते हुए दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गए, तो अब हम एक मखाना को लेकर चेक कर लेते हैं कि ये क्रिस्पी हुए कि नहीं। और ये देखिए, मखाना अच्छे से टूट रहा है, यानी ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस प्लेट में हमने काजू बादाम को निकाला था उसी में हमें मखाना को भी निकाल लेना है, और इन्हें ठंडा होने देंगे। और जब तक हमारे मखाना ठंडे हो रहे हैं हम आगे की प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो इसके लिए फिर से मैंने उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर, और इसमें डालेंगे हम 1 से 2 छोटी चम्मच इतना घी। घी के मेल्ट होते ही दोस्तों हमें इसमें डालना है दलिया। यहाँ मैं आधा कटोरी दलिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों यह गेहूं का दलिया है, इसकी जगह आप जौ के दलिये या फिर बाजरे के दलिये का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि आप जो के दलिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दलिया बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है। गेहूं के दलिये में पोषक तत्व और गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमें कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और वेट बढ़ाने के लिए भी गेहूं का दलिया बहुत ही अच्छा होता है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा दलिया अच्छे से भुन गया है, और ये देखिए इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने आधा कप दलिया लिया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कटोरी पानी। यदि दोस्तों आप दलिया मोटा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, नहीं तो क्या होगा ना दोस्तों कि दलिया पकने के बाद बहुत ज़्यादा फूलता है, तो ये फिर गाढ़ा हो जाएगा। इसे कुकर में भी बनाया जा सकता है। यदि कुकर में आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो 2 सीटी आने तक इसे पका लेना है, और अब हम इसे ढक करके 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। ढकने से ना दोस्तों दलिया बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है। हमारा दलिया कुक हो रहा है दोस्तों, तब तक हम मखाना को पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में हमें डाल देना है क्रिस्पी किए हुए मखाना का, और इन्हें पल्स मोड पर हमें दरदरा पीस लेना है। ध्यान रखना है दोस्तों, हमें मखाना को एकदम से बारीक नहीं करना है, इन्हें हमें थोड़ा सा मोटा ही पीसना है, जिससे इस रेसिपी में इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया से आएगा।
ये देखिए, इस तरह से मैंने मखाना को दरदरा सा पीस लिया है। आप यहाँ इस तरह से मैनुअल चॉपर में भी मखाना को कट कर सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही बढ़िया से चॉप हो जाएंगे। यदि आपको घुटनों में दर्द है, नसों में दर्द होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना दोस्तों। सिर्फ 10 से 12 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अब हमने जो दलिया कुक होने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा दलिया भी 70-80% इतना कुक हो गया है। बीच बीच में मैंने 1-2 बार दलिये को चला भी लिया था। यदि आपको इस स्टेज पर भी पानी कम लगे तो आप इसमें गर्म पानी डाल करके इसे पतला बना सकते हैं। लेकिन आज इस रेसिपी को मैं थोड़ा गाढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं इसे सर्व करूँगी मूंग दाल के साथ। हम इस दलिये को 4-5 मिनट के लिए थोड़ा और कुक होने देंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा दलिया अच्छे से कुक हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मखाना, जो अभी हमने क्रश करके लिए थे। और फ्लेवर के लिए डाल देंगे 2-3 कूटी हुई हरी इलायची को। यहाँ पर आपको लगे कि मखाना जल्दी से ड्राई हो रहे हैं तो आधा कप आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए। एक बार मखाना को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। यहाँ मैं देसी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जगह आप चीनी, मिश्री या फिर गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ को इस तरह से ढकने के बाद हम फिर से ढक्कन लगा करके इसे 2-3 मिनट और पकने देंगे, जिससे गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको जॉइंट में पेन रहता है तो आप इसमें सफ़ेद वाले तिल को लेकर के थोड़ा सा भून लीजिए और फिर मिक्सी में डालकर पीस करके इस रेसिपी में मिला लीजिए। आपको जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। डालने के बाद हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ इन्हें मिक्स ही कर लेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देना है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी सुपर डुपर हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी बनके हो गई है तैयार। आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पूरा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, जिनसे उन्हें पैरों में दर्द या वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर से खिलाएं। प्रोटीन से भरपूर और बहुत ज़्यादा फाइबर है इसमें। आप इसे 8-10 दिनों तक रोज़ सुबह खाली पेट खा लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आज की इस रेसिपी को दोस्तों मैं मूंग दाल के साथ सर्व करने वाली हूँ। यदि आप इसे ऐसे ही खाएं तो इसे थोड़ा सा लिक्विड बना लें, इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दे, जिससे ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगी, जो खाने में आसान रहेगी। तो दोस्तों, इस हेल्दी रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। और भी इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।